एवरीवन, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल फ्रेंड्स। आज बहुत अच्छी जॉब नोटिफिकेशन आई है एसेंचर, देन माउंटेन ब्लू और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से। तो अपन डिटेल में देखेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है, यहाँ पे किस रोल के लिए हायरिंग शुरू है और यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है। तो एसेंचर में मैं आप लोगों को 2 जॉब रोल बताने वाली हूँ, एक एक करके देखेंगे अपन। तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और अगर चैनल पर न्यू हो तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन। स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आप लोगों ने TCS देन SCL परसिस्टेंट कंपनी में अप्लाई नहीं किया होगा तो वहाँ पे भी ज़रूर अप्लाई कर लेना, फ्रेशर वहाँ पे इलिजिबल है। अप्लाई के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलो चलते हैं आज की अपनी पहली जॉब नोटिफिकेशन पे, जो कि आई हुई है माउंट ब्लू कंपनी की तरफ से। तो माउंट ब्लू यहाँ पे हायर कर रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स के लिए। यहाँ पे लोकेशन रहने वाला है आप लोगों का बैंगलोर, देन यहाँ पे आपको हायर कर रही है एंट्री लेवल पोजीशन के लिए। सैलरी यहाँ पे आप लोग की रहेंगी 4 लाख पर एनम तक की। देन अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है यहाँ पे। तो आप लोगों को वर्क इन अ टीम टू डेवलप अ कंपाइल टेस्ट डिबग एंड डिप्लॉय सॉफ्टवेयर। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों के पास में वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन जो यूज़ होता है, जिसमें जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, देन HTML, CSS का आप लोगों के पास में नॉलेज होना चाहिए। देन यहाँ पे 100% आप लोगों का टाइमली एंड फ्री सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रहना चाहिए। देन राइट अ डॉक्यूमेंटेशन फॉर द सॉफ्टवेयर एंड APIs, सपोर्ट सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड हॉट फिक्स। ओके, क्वालिफिकेशन आप देखें तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोगों का रहने वाला है कि एटलीस्ट आप लोगों को 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट, जावा, PHP और पाइथन। ओके, उसके बाद में आप लोगों के पास में गुड एनालिटिकल स्किल रहनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल रहनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहने चाहिए आप लोग। देन आपके पास में वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आप लोग ईगरनेस रहने चाहिए टू लर्न अ न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पे। उसके बाद में बेनिफिट्स गिवन है, क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये वाली कंपनी में अप्लाई करना है माउंट ब्लू कंपनी में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अप्लाई विद द गूगल गिवन है, उस पर क्लिक करना है, आपकी पूरी डिटेल फिलअप करनी है और आप लोग ये वाली कंपनी में अप्लाई हो जाओगे। तो ये थी आज की अपनी पहली जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। अब चलते अपनी सेकेंड जॉब नोटिफिकेशन के तरफ, जो कि आई हुई है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से। तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे हायर कर रही है रिसर्च इंटर्न के लिए, फ्रेशर्स यहाँ पे एलिजिबल है, फ्रेशर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अपन देखिए यहाँ पे तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। तो ड्यूरिंग द इंटर्नशिप स्टूडेंट आर पेयर विद अ मेंटर एंड एक्सपेक्टेड टू कोलैबोरेट विद अदर इंटर्न एंड रिसर्च प्रेजेंट फाइंडिंग एंड कंट्रीब्यूट टू द वाइब्रेंट लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। ओके, क्वालिफिकेशन यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन के अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्टर और मास्टर और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के। ओके, और यहाँ पे सेकेंड बेनिफिट्स गिवन है, क्या क्या बेनिफिट्स है वो भी अपन देख लेते हैं। तो इंडस्ट्री लीडिंग हेल्थ केयर रहने वाला है, देन गिविंग अ प्रोग्राम रहने वाला है, देन अपॉर्चुनिटी टू नेटवर्क एंड कनेक्ट, डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ओके, यहाँ पे बेनिफिट्स रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। देन यहाँ पे रिसोर्स क्या है वो गिवन है। अब अगर आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हो, देन आपकी पूरी डिटेल फिलअप करनी है और आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में भी अप्लाई हो जाओगे। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से, जो कि लोकेशन रहने वाली यहाँ पे बैंगलोर और जो कि रिसर्च इंटर्न के लिए है। ओके, अगर आप लोग को रिसर्च इंटर्न के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप लोगों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब चलते हैं अपनी थर्ड जॉब नोटिफिकेशन के तरफ, जो कि आई हुई है एसेंचर कंपनी की तरफ से। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक अच्छी अपडेट दे देती हूँ। अगर आप लोगों को 5 to 40 lakh पर तक का पैकेज चाहिए होगा या फिर आप लोगों को फुल स्टैक डेवलपर बनना है, वो भी बिना किसी फीस के, यहाँ पे आप लोग गारंटी CTC के साथ में प्लेस किया जाएगा टॉप MNC कंपनी में। तो उसके लिए आप लोगों को न्यूटन स्कूल की वेबसाइट चेकआउट करनी पड़ेगी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है न्यूटन स्कूल, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपनी थर्ड जॉब नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि आई हुई है एसेंचर कंपनी की तरफ से। तो एसेंचर में मैं यहाँ पे आप लोगों को 2 जॉब रोल की अपॉर्चुनिटी देने वाली हूँ। जो फर्स्ट है वो है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए और जो सेकेंड वन रहने वाली है, सेकेंड रोल, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट के लिए। अब डिटेल में देखते हैं अपन। तो बात करते हैं अपनी पहली जॉब रोल के बारे में, यहाँ पे एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग को 0 to 11th month वाले अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन यहाँ पे रहने वाला है बैंगलोर, देन हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ओके, सैलरी यहाँ पे आप लोगों की 4.5 lakh पर एनम तक की रहने वाली है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अपन बात करें, कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, तो BE, BTEC, ME, MTEC, MCA, MSc, CAC, IT वाले यहाँ पे ही अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2022 ईयर के पास आउट स्टूडेंट है। यहाँ पे फुल टाइम ग्रेजुएट चाहिए उन लोगों को, पार्ट टाइम ग्रेजुएट नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे आप लोगों का MBA या फिर PGDMB कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर दिस रोल। ओके, नो एक्टिव बैकलॉग रहना चाहिए आप लोगों का। उसके बाद में मैक्सिमम 1 ईयर का गैप वो लोग कंसीडर किया जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे अगर आपने 3 month के पहले इंटरव्यू या फिर आप लोगों ने
असाइनमेंट टेस्ट दिए होंगे तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप लोग एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 11 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे एलिजिबल टू वर्क इंडिया आइदर बाय सिटीजन हैव और रिलेवेंट वर्क परमिट डॉक्यूमेंट। ओके, उसके बाद में यू आर विलिंग टू वर्क इन एनी बिजनेस यूनिट सर्विस लाइन विद इन द कंपनी। और उसके बाद में यू आर विलिंग टू ज्वाइन रिलोकेट टू एनी एसेंचर ऑफिस अक्रॉस द इंडिया। अगर आप लोग ये सब चीज़ के लिए रेडी हो, आप लोगों को अगर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रोल के लिए आप लोगों को अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई के लिए जस्ट यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है और आपकी डिटेल फिलअप करनी है। ठीक है, तो ये था अपनी फर्स्ट जॉब रोल के बारे में एसेंचर की तरफ से। अब बात करते हैं सेकेंड जॉब रोल के बारे में। तो यहाँ पे सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट के लिए है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 0 to 11th month का ही एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे भी सैलरी यहाँ पे आप लोगों की कम रहने वाली है एज कम्पेयर टू एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ से। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट की रहने वाली है 3.3 lakh पर annum तक की। उसके बाद में लोकेशन भी सेम रहने वाला है, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, कोलकाता। ओके, उसके बाद में यहाँ पे अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट की अप्लाई कर सकता है, चाहे आप BSc, BCA, BBA, BA, BCom, देन BMS, BBS, उसके बाद में BAgree, RD, ओके, उसके बाद में आप लोग BFM, ओके, कोई भी आप लोग की ग्रेजुएशन के हो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। नॉन CSIT वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि 2019, 2020, 2021, 2022 के ईयर के पास आउट स्टूडेंट चाहिए, और वो भी आप लोगों को फुल टाइम ग्रेजुएट ही हायर कर रहे हैं वो लोग, ना कि पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस लर्निंग वाले चाहिए। यहाँ पे गिवन है BE, BTech, ME, MTech, MCA एंड MSc, CSIT, MBA कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। ये जो जॉब है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट, यहाँ पे BE, BTech वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ BSc, BCA, BBA वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का पास में नो एक्टिव बैकलॉग रहना चाहिए ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के टाइम पे। मैक्सिमम 1 ईयर का गैप वो लोग कंसीडर किया जाएगा। अगर आप लोग ने 3 मंथ के पहले कोई भी एसेंचर की टेस्ट या इंटरव्यू दिया होगा तो यहाँ पे आप लोग एलिजिबल नहीं है। 11th month से ज्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप लोग willing to work in any business unit service line within the company, then you are willing to join relocate to any Accenture office across the India. Okay, अगर आप लोग BCA, BBA, BSc वाले student होते यहाँ पे आप लोग apply कर सकते हो। apply के लिए just यहाँ पे आप लोगों को apply now पे click करना है, आपकी पूरी detail fill up करनी है और आप लोग यहाँ पे apply हो जाओगे। तो ये थी आज की अपनी 3 latest job notification के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने all graduate वाले apply कर सकते हैं, चाहे आप BCA, BBA या फिर BE, BTech वाले स्टूडेंट हो तो कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए मैंने अपॉर्चुनिटी बताई हुई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।